प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कई ऐसे प्राचीन मठ और मंदिर हैं जो चमत्कारी और रहस्यों से भरे हैं। इन्हीं में से एक है जिले से 16 किलोमीटर दूर पड़िला महादेव मंदिर। पड़िला महादेव को पांडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पड़िला महादेव मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था। सावन शिवरात्रि और मलमास के समय यहाँ बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर भक्त यहाँ निशान भी चढ़ाते हैं। पांचों पांडव जब द्वापर में निकले थे अज्ञातवास में, तो यहाँ पर रात विश्राम किए, जिसमें यहाँ ये शिवलिंग भोलेनाथ दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी अमर सिंह का कहना है कि सावन शिवरात्रि और मलमास के समय यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस शिवलिंग की महानता ये भी है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। 24 घंटे में 3 कलर की होती है। एक समय पे भूरे रंग के रहेंगे, एक समय बैगनी कलर हो जाएंगे, एक समय हरे कलर में रहेंगे। द्वापर युग में पांडवों द्वारा स्थापित यह शिवलिंग प्रयाग की पंचकोसी परिक्रमा में भी शामिल है, और प्रयागराज की पंचकोसी परिक्रमा बगैर पांडेश्वर धाम की अधूरी रहती है। मान्यता है कि पड़िला महादेव के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।